हे गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक शॉर्ट स्ट्रेटल के ऊपर स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी। शॉर्ट स्ट्रेटल को कैसे हमने डिप्लॉय किया था, कब डिप्लॉय किया था, उससे भी इम्पोर्टेंट कैसे हमने उसको एडजस्ट किया था, राइट? देखो, शॉर्ट स्ट्रेटल सभी को आता है, बट उसको एडजस्टमेंट करना इट्स नॉट ए इजी टास्क। ओके, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो भी एकदम परफेक्ट टाइम पे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते उसके एडजस्टमेंट, लेकिन हमने उसके एडजस्टमेंट देखे थे कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो सिनेरियो में, ताकि हम वहां पे शॉर्ट स्ट्रेटल में लॉसेस को रिकवर कर सके, लॉसेस से बच सके, लॉसेस को कटेल कर सके, राइट? तो उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट इसमें मैं आपके साथ एक रेशियो स्प्रेड डिस्कस करूंगा। बेसिकली क्या रेशियो स्प्रेड होता है, कितने तरह के स्प्रेड्स होते हैं, कैसे हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं, उससे भी इम्पोर्टेंट कब डिप्लॉय करना होता है, और उससे भी इम्पोर्टेंट कैसे हम पर्टिकुलर स्प्रेड्स को एडजस्टमेंट करते हैं, राइट? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डेबिट रेशियो स्प्रेड डिस्कस करूंगा, कैसे बनाते हैं उसको और कैसे मैं उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इन द वर्स्ट सिनेरियो, राइट? तो चलो अभी मैं निफ्टी के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। तो देखो, ये निफ्टी का चार्ट है गाइस। उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए आए तो मैंने बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आपको बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, आप एक्सप्लोर कर सकते हो कंटेंट को। एंड इफ यू लाइक समथिंग लर्निंग एंड इफ यू लर्न समथिंग देन यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। तो लेट्स फोकस ऑन दिस वीडियो। तो गाइस देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, देखो ये निफ्टी का चार्ट है 1 आवर का, एंड यू कैन सी अवरली टाइम फ्रेम है ये 1 आवर का, एंड यू कैन सी दिस इज द निफ्टी, जहां पे भी निफ्टी रिलाई कर रहा है, राइट? तो देखो, फ्रॉम मेरा क्या मानना है, देखो यहाँ पे निफ्टी ने एक, अगर मैं एनालाइज करूँ नॉर्मल सी वे में, तो देखो निफ्टी ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करी है। दिस इज द ट्रेंड लाइन। तो निफ्टी ने रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे फाइनली इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, वापस रिटेस्ट करके वापस ऊपर आया। सो फॉर माय पर्सपेक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज में देख रहा हूँ, मार्केट को साइडवेज से बुलिश देख रहा हूँ, या अगेन ये नवंबर के मंथ तक, लाइक अक्टूबर चल रहा है, नवंबर के मंथ तक ये ऑल टाइम हाई को वापस से टेस्ट कर सकता है या ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है, आई अकॉर्डिंग टू मी, मेरे एनालाइज के। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, यहाँ पे मैं साइडवेज टू बुलिश हूँ। यहाँ पे बियरिश नहीं हूँ। बियरिश कब तक नहीं हूँ मैं, जब तक ये मेरी ये ट्रेंड लाइन को वापस ये यहाँ पे ब्रेक नहीं करता। अगर ब्रेक कर लेते तो मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे बियरिश में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेशियो स्प्रेड बनाऊंगा, बुलिश रेशियो स्प्रेड। क्यों बनाऊंगा बुलिश रेशियो स्प्रेड, मैंने बता दिया, मेरा जो ट्रेंड लाइन जो सब रेजिस्टेंस बना हुआ था निफ्टी के लिए, अवली टाइम फ्रेम के लिए, फाइनली ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, वापस मार्केट ऊपर जा रहा है। तो फ्रॉम यर साइड निफ्टी इज लाइकली टू बी साइडवेज टू बुलिश ऑन द अपकमिंग वीक्स बेसिकली और अपकमिंग मंथ। ओके, दिस इज माई सिंपल एनालाइज ऑन द निफ्टी चार्ट, राइट? अब देखो निफ्टी का ऑल टाइम हाई कौन सा है, ये है 20,200 का लेवल, ठीक है? तो मेरे हिसाब से मार्केट, और अभी करंट लेवल कौन सा है, ये करंट लेवल है 19,750। सो फॉर मी मार्केट विल रिमेन इन बिटवीन 19,750 टू 20,200, इसके बीच में रहेगा मार्केट। कब तक? अक्टूबर इस पर्टिकुलरली मंथ में। सो इस लाइक अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीक की, जो है 19th अक्टूबर की जो एक्सपायरी है उस पर हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट? तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है, रेशियो स्प्रेड। अब रेशियो स्प्रेड होता क्या है बेसिकली, रेशियो स्प्रेड, देखो रेशियो क्या होता है, रेशियो बेसिकली क्या होता है, 1:2, 1:3, ये रेशियो स्प्रेड होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेशियो में बाय और सेल करेंगे। मैं आपको ऑप्शनल में अच्छे से समझाता हूँ, ताकि वो अच्छे समझ में आए, ठीक है? आई होप आपको सिंपल सा लॉजिक समझ में आया होगा। क्या समझ में आया, मैंने क्या बताया अब तक, मार्केट ने इस पर्टिकुलरली ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फॉर मी फ्रॉम माई साइड, और ये एट प्रेजेंट लेवल है इसका 19,750। तो मैंने ये कहा कि मार्केट आने वाले टाइम में और आने वाले मंथ में और आने वाली एक्सपायरी 2-3 एक्सपायरी में मार्केट 19,750 से ऑल टाइम हाई के बीच में ही रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर मार्केट टूटता है और ये फर्दर ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करूं और यहाँ पे कहीं ब्रेकडाउन देता है, तो मैं यहाँ पे बियरिश हूँ, अदरवाइज मैं बुलिश ही हूँ। ओके, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूँ, राइट? तो देखो अब इन ऑप्स्ट्रा पे आ जाते हैं, ये ऑप्स्ट्रा का इंटरफेस है। आई होप अगर आप ट्रेडर हो और आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो आपको पता होगा ऑप्स्ट्रा के बारे में। तो मैं यहाँ पे निफ्टी मैंने ले लिया है, यहाँ पे निफ्टी ले लिया है, ऑप्शंस 19 अक्टूबर की एक्सपायरी ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको रेशियो स्प्रेड दिखा रहा हूँ, रेशियो स्प्रेड कैसे बनाते हैं। देखो रेशियो स्प्रेड हम यहाँ पे 1:2 का ही बना रहे हैं, 1:3 का भी बना सकते हैं, नो डाउट 1:4 का भी बना रहे हैं, पर मैं एक आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता रेशियो स्प्रेड के बारे में। तो वी विल डिस्कस 1:2 रेशियो स्प्रेड। तो यहाँ पे हम 1 लाख बाई करेंगे, 2 लाख सेल करेंगे, कौन से स्ट्राइक पे सेल करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले अभी मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या है निफ्टी का, 19,733, विच इज क्लोज टू 19,750, है ना? अगर हम अप्रोक्सीमेट लिक्विडेट को स्ट्राइक प्राइस दें तो वो है 19,750, विच इज क्लोज टू द स्पॉट प्राइस। तो हम इसको बाई कर लेंगे, राइट? तो देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ 19,750 का कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बुलिश है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे 19,750 का बाई कर लिया एक लॉट। ओके, ये बाई हो रहा है। नाउ हमें एक स्ट्राइक प्राइस दूर हमें यहाँ पे सेल करना है, तो हमें करना है 19,850 का
यहाँ पे सेल कर लिया मैंने एक कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्यों ले रहा, क्योंकि हम यहाँ पे बुलिश आया ना, अगर हम बेयरिश होते तो सिमिलरली हम पुट ऑप्शंस पे काम करते राइट। तो मैंने यहाँ पे एक सेल कर दिया। तो मैंने अब तक क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो मार्केट करंट लेवल है 19750। सो मैंने क्या किया 19750 का एक बाई ऑप्शन को मैंने बाई कर लिया और इससे 100 स्ट्राइक प्राइस दूर 19850 का मैंने एक सेल कर लिया कॉल ऑप्शन को ठीक है। तो अभी यहाँ पे रेशो क्या बना, 1:1, एक बाई किया एक सेल किया। तो हमें 1:2 बनाना। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑल टाइम हाई है ना 2100 का, हम एक कॉल ऑप्शन को सेल एक और कर देंगे ताकि हमारा जो रेशो बनेगा वो 1:2 बनेगा और इसका रिस्क रिवार्ड भी बहुत फेवरेबल होता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो अभी मैं और क्या करना है, हमें ऑल टाइम हाई का एक सेल कर देना है राइट। तो ऑल टाइम हाई है अभी 20100 निफ्टी में, 20100 का मैंने कॉल ऑप्शन एक सेल कर दिया जो कि 5 रुपीज के आसपास इसको मैंने सेल कर दिया। सो नाउ यू कैन सी कि हमें हमारा ग्राफ कैसे बना है यहाँ पे। अगर मैं क्या किया, मैंने देखो एक कॉल ऑप्शन मैंने एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया, एक सेल किया। सेल देखो इन दोनों के बीच में स्ट्राइक डिफरेंस है 100 स्ट्राइक प्राइस का और एक ऑल टाइम हाई का मैंने भी सेल कर दिया। तो ये 1:2 बन गया यहाँ पे एंड इट्स लुक लाइक दिस। अभी मार्केट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, 19700 मार्केट अभी यहाँ पे है ठीक है। और मैंने क्या कहा मार्केट यहाँ से कितना आगे ऊपर जा सकता है, फॉर मी मार्केट कैन, देखो चार्ट पे दिखाता हूँ मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे अभी मार्केट है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट आने वाले वीक में इन दोनों लेवल्स के बीच में रह सकता है ना, और अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में रहेगा तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो वही मैंने स्ट्रेटजी में डिप्लॉय किया है। अगर मार्केट इन दोनों लेवल ऑल टाइम हाई और अभी एट प्रेजेंट लेवल के बीच में रहा, वो है ये वाला लेवल इन दोनों के बीच में, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, वो है ये पूरा ग्रीन जोन। अगर इन दोनों में कहीं भी लाई किया तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, वो मिलेगा मुझे 3000 रुपए। यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो आप मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 3000 रुपये। अगर मार्केट मेरे डिजायर्ड जोन, अगर इस जोन में कहीं रहता है मार्केट, यहाँ कहीं अगर एंड ऑफ द एक्सपायरी यहाँ कहीं लाई करता है यहाँ रुक जाता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, वो मिलेगा मुझे कितना 3000 रुपये का, जो कि है ये वाला राइट। ये देखो ये मैक्सिमम प्रॉफिट 3000 है यहाँ पे। मैक्सिमम लॉस कितना वही मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे 1700 रुपीज, यानी मैक्सिमम लॉस है मेरा 1700 रुपीज, मैक्सिमम प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 3200 रुपीज। तो यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवार्ड है, तो रिस्क रिवार्ड मेरे फेवरेबल पे राइट। तो कैसी, सो गाइस स्ट्रेटेजी कैसी बनती, साइडवेज टू बुलिश। अगर मार्केट साइडवेज रहता है या बुलिश रहता है तो मैं यहाँ पे पैसा कमाऊंगा, अगर मार्केट बेयरिश हो जाता है तो मैं यहाँ पे लॉस दूंगा, वो भी मिनिमल सा 1700 राइट। उसमें कितना मेरा मार्जिन डिप्लॉय होगा, वो होगा ऑलमोस्ट 1 लाख, क्लोज टू 1 लाख रुपीज, वो 98000 रुपीज के अंदर, क्लोज टू 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे मेरे कितना परसेंट रिटर्न है, 3% रिटर्न है और यहाँ पे लॉस है मेरा 1.7%, विच इज फेवरेबल राइट, 1:2 है यहाँ पे। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। देखो मैंने क्या कहा, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट कमाऊंगा, नीचे जाता है तो लॉस कमाऊंगा राइट। दिस इज द ग्राफ। अगर देखो मार्केट अगर यहां से, कल ही न्यूज आती है, सडन न्यूज आती है ना, सडन न्यूज आती है कल ही और मार्केट यहीं से टूटने लग जाता है और सडनली गिरने लग जाता है, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 1700 रुपये होगा, चाहे मार्केट कितना भी गिरे है कि नहीं। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स मैं ग्रीन जोन में आऊंगा और मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा ग्रीन जोन में। सो अब गाइस आते हैं अपने एडजस्टमेंट पार्ट पे, उसको एडजस्टमेंट कैसे करना है राइट। देखो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है बेयरिश टू साइडवेज टू बुलिश, तो हम यहाँ पे पूरा ग्रीन जोन है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आएगा राइट। अगर मार्केट सडनली गैप डाउन होता है, नीचे गिरता रहता है, तो मैं अपना पहले एडजस्टमेंट करता हूँ यहाँ से। अगर स्पॉट प्राइस 19750 है, सो 100 पॉइंट नीचे आ जाए, 19650 पे आ जाए, तो मैं अपना पहला एडजस्टमेंट करता हूँ। एडजस्टमेंट कैसे करता हूँ गाइस, देखो मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस है मेरा 1700 रुपये ठीक है। तो 1700 रुपये ओके डिवाइडेड बाई कितने का, निफ्टी का एक लॉट होता है 50 रुपीज का, अगर मैं 1700 को 50 से डिवाइड करूं तो ये ऑलमोस्ट आता है 34 रुपीज का प्रीमियम राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 34 रुपीज कहीं से मैं अगर एक्स्ट्रा ले लूं, क्रेडिट ले लूं, तो मेरा ये पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि 34 × 50 = 1700 रुपीज, तो मेरा ये लॉस पूरा जीरो हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा ऐसे केस में, अगर 100 पॉइंट नीचे चला जाता है पॉइंट, यानी 19650 पे, 19650 पे अगर निफ्टी आ जाएगा, तो मैं उस केस में क्या करूंगा, ये जो आपको दिख रहा है ये 5 रुपए का जो प्रीमियम है, ये 5 रुपए का प्रीमियम को ये ऑलमोस्ट 1 या 2 रुपए पे आ जाएगा, उसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा प्रॉफिट में, और उसके बाद 34 रुपीज का एक अनदर 34 रुपीज का प्रीमियम मैं शॉर्ट कर दूंगा राइट। और उसका स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ 68 रुपीज, अगर कल को मार्केट वापस रिवर्स हो जाए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 4 दिन है, मुझे 4 दिन
पर्टिकुलर ग्राफ को हैंडल करना है, क्योंकि मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे को तो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, राइट। एक्सपायरी के दिन मेरा एम टू एम देखता हूँ मैं, अगर 1700 हो रहा है तो मैं बुक करूंगा। एक्सपायरी के दिन मैं कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ, एडजस्टमेंट मुझे करना है तो मंडे को करना है, ट्यूजडे को करना है, वेनसडे को करना है, राइट। तो मैंने बता दिया एडजस्टमेंट कैसे करना है, जितना भी लॉस है, या तो आप अगर आपके पास पैसा ज्यादा पड़ा है तो आप ऐसे कर सकते हो, आपके पास जितना भी लॉस है, फॉर एग्जाम्पल 1700 रुपीज डिवाइडेड बाई निफ्टी का 1,50 रुपीज, तो 34 आया, तो 34 को आप डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 17 रुपीज के दो कॉल को सेल कर दो लॉट में, तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू 34 रुपीज, तो भी आपका आसानी से कवर हो जाएगा। सो इस तरीके से मैं रेशियो स्प्रेड के एडजस्टमेंट करता हूँ। और अगर इस तरफ मार्केट एकदम गैप डाउन खुलता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, देखो मार्केट मैं आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ तक सेफ हूँ, राइट, यहाँ तक मुझे ग्रीन है, आप भी सोच रहे हो कल मार्केट इसके ऊपर खुल जाए, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई सीनेरियो आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी एम टू एम होगा वहां पे हमारा ये एम टू एम स्टॉप लॉस होगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है कि मार्केट सडनली 300-400 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा केस होता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो भी एम टू एम होगा वो हमारा सिस्टम स्टॉप लॉस होगा, वहां पे हम अपनी पूरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता, अगर हुआ भी तो हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, उसमें अगर हम एडजस्टमेंट भी करेंगे तो भी हम फंसेंगे, नहीं करेंगे तो भी हम फंस रहे हैं। तो इससे बेटर कि उसको वहीं पे एक पूरा स्ट्रेटजी को एग्जिट कर दो। तो ये है रेशियो स्प्रेड, आई होप आपको समझ में आया होगा रेशियो स्प्रेड कैसे होता है, कैसे डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे मैंने 1:2 डिप्लॉय करके बताया, आप 1:3 भी कर सकते हो, इनकेस 1:3 वहाँ पे आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पे 1,00,000 रुपए लगा ना आपका, 1:2 में 1 लाख लगा, तो 1:3 में क्लोज टू 1.8 लाख के आसपास लगेगा, ठीक है। लेकिन 1:3 करोगे तो वहाँ पे रिस्क कम है ना, रिवार्ड उतना ही है, रिस्क कम है। 1:4 करोगे तो रिस्क और कम है। तो इस तरीके से ये रेशियो डिप्लॉय करते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको रेशियो स्प्रेड के बारे में अच्छे से समझाया है, कैसे आप पहले चार्ट्स को एनालाइज करो, अपने लेवल्स निकालो कि आने वाले वीक में यहां से मार्केट यहां पे लाई कर सकता है, ओके, और उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करो। उसके एडजस्टमेंट आपको प्री डिफाइंड एडजस्टमेंट पता होना चाहिए कि अगर भाई मार्केट यहां पे खुलता है, कल गैप डाउन होता है तो मैं ये एडजस्टमेंट करूंगा, अगर मार्केट गैप अप होता है तो ये करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये सब आपको प्री डिफाइंड स्ट्रेटजी में होना चाहिए फॉर अपकमिंग एक्सपायरी। सो मुझे इसको एडजस्ट 3 दिन करना है, मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे को मैं नहीं करूंगा कोई भी एडजस्टमेंट, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी है। लेट्स द मार्केट रन, मार्केट मुझे क्या देता है, प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस इज वीडियो गाइस अबाउट रेशियो स्प्रेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, मेरी स्ट्रेटजीज आपको पता लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको सीखने को मिला इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।